मोदी को टाइम दे दो, जैसे कांग्रेस 60 साल दे दे, मोदी को भी टाइम दे दो 60 साल, पहले मोदी को कामयाब होने दो, कुछ ना कुछ फायदा देगा पब्लिक को। देखो पहले पुरुष कांग्रेस वाले सब कुर्सी ढूंढते थे, अभी ये रहे, अभी ये हमें चाहिए मुल्क ठीक, एक मुल्क चाहिए हमें, समझे, उसी के मुताबिक चलना चाहिए। गांधी वही है क्या? क्या उसको पता? देखो मेरे से पढ़ा है ज्यादा, उसने पैसा देखा है सिर्फ, ऐश किया है, दुनिया का टूर किया है उसने, उसको पता नहीं सियासत क्या होती है, क्या कहूँ तो क्या नहीं कहूँ। पॉपुलेशन की वजह से भी है, मेन वजह कौन है? मेन वजह यही है पॉपुलेशन की वजह। दूसरी बात यह है, ये इतनी बात यही है पॉपुलेशन की वजह से है। पहले की मैं बताऊंगा बात, आई बिलोंग टू कश्मीर, वहाँ पर एक जगह, वहाँ पर कमर्शियल है, वहाँ पर एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 आदमी काम करते थे। हाँ 3 आदमी, एक आदमी कोई आदमी खेलता था, महीने के बाद तनख्वाह लेता था, कोई आदमी अफसर की गायें पालता था, वो महीने के बाद तनख्वाह लेता था, समझे, कोई दुकान चलाता था, महीने के बाद तनख्वाह लेता था, जो भी कश्मीर यहाँ सेंटर से फंड आता था वही खर्चते थे, क्योंकि वहाँ उस वक्त आर्टिकल 370 था, कोई फर्क नहीं पड़ता। 370 हटने के बाद बदलाव हुआ है कश्मीर में? अभी देखो अभी पूरा नहीं हो गया अजय, मगर जो कुछ बदलाव होना था वो नहीं हो गया। देखो वहाँ ये जो एक ये बन गया अब पॉलिटिकल, ज्यादा ये ज्यादा पॉलिटिकल क्वेश्चन बन गया है, इसमें टाइम लगेगा, जब तक ना हालात ठीक हो जाएंगे ठीक हो। अब लोग जो लोग है सोच समझने लगे सच क्या है बुरा क्या है, ये लोगों पर है। जब मैं ही एज का था मैं ढूंढने गया उधर फिर कश्मीर में, कोई ये मिला ही नहीं बेचारा जिसके साथ में बात करता, कोई सब मर गए हैं। बदलाव हुआ है देश में पिछले 10 सालों में जब से ये भाजपा की सरकार आई है? पढ़े लिखे हैं थोड़े से, उन्हें समझा है क्या? मैंने बहुत कश्मीरी मुसलमानों को सवाल किया है, ये क्या आपने देखा है? नब्बे कहा नहीं, हमें पता ही नहीं है, समझे, जब उनको पता ही नहीं तो वो क्या देखेंगे आगे। आपको लगता है देश में बदलाव हुआ है पिछले 10 सालों में? पिछले 10 साल में हुआ है मोदी से, कब से बदलाव डेवलपमेंट हुई? सबसे पहले मैं बताऊंगा एक बार, मैं आपको एक क्वेश्चन कहता हूँ, जब एक पुराना मकान गिराया जाता है उसको टाइम नहीं लगता है, जब बनाया जाता है क्या उसको टाइम नहीं लगता है? बिल्कुल समय लगता है, जिसमें 100 फैमिलियां रहती होंगी उसको टाइम लगता है, 100 फैमिलियां 100 दिमाग की होती हैं, समझे, उनको टाइम लगता है बनाने में। मोदी को टाइम दे दो, जैसे कांग्रेस 60 साल दे दे, मोदी को भी टाइम दे दो 60 साल, जैसे कांग्रेस को 60 साल दे दिया वैसे मोदी को भी दे दो। कहां बने पहुंचेगा? जितनी दोस्ती अरब कंट्री के साथ ही, मुस्लिम कंट्री के साथ ही मोदी के वक्त, क्या पहले किया ऐसी? हाँ समझते हो ये बात? क्या आप भी समझते हो कि उसके इसके टाइम में कुछ हो गई बात अच्छी? नहीं, क्या कुछ अच्छा हुआ है? 2-3 काम आप बता देते तो अच्छा होता। अच्छा हो, देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, अब देखो जब सब कोई हर कोई ढूंढता है गवर्नमेंट, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था उस वक्त, था मौसम ऐसा, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, पर अब जो परसेंटेज बढ़ गई है पढ़ाई में, पेशेंस कम हो गई है, पढ़ने से पेशेंस कम हो गई है जवान में। क्यों भाई साहब, मैं ठीक कहता हूँ कि गलत कहता हूँ? मैंने कहा परसेंटेज ऑफ एजुकेशन बढ़ गई है जवानों में, बढ़ गई है, मगर जो ये पेशेंस है वो कम हो गई है, सब्र, जो सब्र सुनने का करने का, क्या ये कम हो गया कि ठीक है? अच्छा क्या लगता है, 24 का चुनाव भी है कुछ महीनों में लोकसभा का, क्या लगता है क्या सरकार को कौन सा अपना एजेंडा सेट करना चाहिए कि मैं शिक्षा और बेहतर करूंगा, क्या करना चाहिए कि सरकार की वापसी हो? कह सकते हैं कोई, देखो पहले मोदी को कामयाब होने दो, कुछ ना कुछ फायदा देगा पब्लिक को, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक कामयाब होगी तभी तो मोदी कामयाब होगा, वही तो जरूरी है, पब्लिक से ही मोदी कामयाब होगा। अब एक बात है, देखो पहले पुरुष कांग्रेस वाले सब कुर्सी ढूंढते थे, अभी ये रहे, अभी ये हमें चाहिए मुल्क ठीक, एक मुल्क चाहिए हमें, समझे, उसी के मुताबिक चलना चाहिए, उसी के मुताबिक। हम अभी किसान भी आंदोलन पे पहुंचे, एक मुल्क एक हिंदुस्तान। अच्छा अभी किसान भी कुछ आंदोलन कर रहे हैं? देखिए हिंदुस्तान अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो वही लैंड जो ये टिलर है, मेन टिलर क्या वही है? आप हालात
क्या वही है, वही टेलर है, वही टेलर आंदोलन कर रहा है? आंदोलन उनका जायज है या फिर ना जायज? देखो जो अभी ये ना जायज है, उनको टाइम दे दो मोदी को पहले और बढ़ने तो वो अच्छा, अगर अपनी फसल की सही दाम मांगना सरकार से, क्या वो नाजायज चीज है? क्या अपनी फसल की सही दाम मांगना, MSP मांगना, क्या वो नाजायज? आपने देखा होगा कल भी, अगर ये देगा अच्छा दाम, 10 लाख करोड़ का होता है नुकसान, और वही बजट सिर्फ 6 लाख करोड़ आर्मी डिफेंस का है सिर्फ। मोदी सरकार की वापसी हो रही है क्या 24 में? 24 में मेरे ख्याल में होनी होगी। होगी कितना सीट आएगा? कितना सीट? मैंने कम से कम रखी है कि बिल्कुल बीजेपी को 320 का, कम से कम 320, कम से कम 320। अच्छा, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है कुछ 24 चुनाव में काम करेगा उनकी? मुझे बेटा एक चीज बताओ, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र तो 23 साल है। 23 साल है, कितने पढ़े हो? ग्रेजुएट हूँ। शाबाश। ग्रेजुएट में नेहरू का एक चैप्टर है, वो उसकी किताब थी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, उसका एक चैप्टर है, वो पढ़ाते थे अपे में, पता नहीं आपके टाइम में है, वो अबाउट लैंग्वेज फैमिलीज। वह अब तो नहीं होगा वो, शायद अब तो नहीं। I am not qualified. I am MABF. आपको पता है वो क्या होता है MABF? नहीं पता है, बता दे। नहीं बताओ। मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड। मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड। तो क्या राहुल गांधी वही है क्या? क्या उसको पता? देखो मेरे से पढ़ा है ज्यादा, उसने पैसा देखा है सिर्फ, ऐश किया है, दुनिया का टूर किया है उसने, उसको पता नहीं सियासत क्या होती है, क्या कहूँ तो क्या नहीं कहूँ, उसको पता नहीं सियासत के बारे में। आपको क्या लगता है विपक्ष में कौन सा चेहरा होना चाहिए था तो टक्कर देती मोदी सरकार को? देखो अगर एक बात होती है विपक्ष में ये बात जो भी आएगी ये मैं कह नहीं सकता, मैं चाहूंगा, अगर मैं मोदी को चाहूंगा फिर मैं ये भी बोलूंगा कोई मैं चाहे विपक्ष का अभी तक पास हो। कोई चेहरा आपको नजर आता है? मेरे हिसाब से सिर्फ 2 पार्टियां होनी चाहिए थी सारे भारत में। बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब ठीक है कि गलत है? नहीं ये सही है, आपकी आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, समझे? ये कांग्रेस ने आपको पता है जब पहले 47 में आजाद हुआ हिंदुस्तान भारत, उस वक्त कितनी पार्टियां थी? अब ये आई एम नॉट ग्रेजुएट, आई कांट से एनीथिंग, बट एक था कांग्रेस था, एक था ये क्या नाम है CPI, एक था जनसंघ, समझे? 3-4 पार्टियां थी टोटल, बाद में ये नेहरू ने क्रिएट किए ज्यादा पार्टियां, उसके कहने पर पड़ी है बड़ी है पार्टियां, समझे? इसकी वजह से खराबी होगी सारे भारत में, इसकी वजह से खराबी, नेहरू की वजह से। तो क्या 2 पार्टियां जो आप कह रहे हैं, तो सरकार एक बिल भी ला रही थी 1 Nation 1 Election, क्या वो होना चाहिए था देश वक्त पर? होगा और होना चाहिए, होना चाहिए। एक तो कम से कम पैसा बचेगा, नहीं बचेगा? बिल्कुल। कितना करोड़ों रुपया बचेगा भारत को उसमें से, एक वन नेशन वन, ये क्या नाम है, वन इलेक्शन वन नेशन। 24 में कितना सीट आएगा आपको मेरे से ज्यादा? आपको ये देखो, आपको मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा आपको ज्यादा मेरे से सोचिए, क्या मैं गलत कहता हूँ ठीक कहता हूँ? नहीं ठीक ही, आप जनता है, आप जो कहेंगे बिल्कुल शाश्वत सत्य होगा। जनता का एक आदमी, ऑर्डिनरी आदमी हूँ, मामूली सा आदमी हूँ। अरे एक ही आदमी है ना, एक ही वोट से तो सरकार गिर जाती है। वो दूसरी बात है, एक ही आदमी हूँ, मगर एक बात है, मेरे को नशा नहीं है, मैं कोई, मगर जब होता हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी वक्त पर देखी है वो दूसरी बात है। अच्छा, आपने दोनों सरकारों को देखा होगा, 10 साल इस भी सरकार देख ली होगी और बहुत सरकार पिछली को भी देखी होगी आपने, बेहतर कौन था? मेरी एज ये बताओ क्या होगा? मेरी 85। मतलब पूरी सरकार तो आप देख रखे हैं, बेहतर कौन है?
बेटर कौन है? फिलहाल देखो कांग्रेस, कांग्रेस ने अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से थोड़ी सी सॉल्व की, उसको आबादी कम थी और इस वक्त भी बेहतर है ज्यादातर। मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, मकान जब गिराया जाता है जिसमें 100 फैमिलियां रहती होंगी, उसको टाइम नहीं लगता है, बनाने में समय लग जाता है, ये किसने सोचना है? ये एक तो जनता सोचेगी ना, जनता ये जनता के सोच, उसमें टाइम लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। हाँ, तो टाइम दे दो मोदी को, मोदी को टाइम दे और को